बैक टू माय चैनल गुडली इन से होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, मतलब एक्सपेंडेड मतलब फैलाना या फैलना। आज हम वही करेंगे, मैंने कोई भी हेडिंग नहीं डाली, हम सीधा आपको उसका जो आंसर आपको बताऊंगी मैं। हेडिंग हमने वैसे हेडिंग में तो यही लिखना था, राइट द नंबर इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। इसकी क्या ज़रूरत है तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। जैसे हमारे पास 4, 5, 3 है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देंगे। सबसे पहले 400, 400, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा 400, 100, 400 प्लस 53, हमने क्या बोला 453, यहाँ पे हमने लिखा 50 की आवाज़ आ रही है तो हमने 50 लिख दिया, प्लस 3, 453। हमने जो हमने 3 है वो ऐसे ही बोल दिया 453, उसमें ना 1000 लगा ना 100 लगा, कुछ भी नहीं लगा, हमने नॉर्मली 3 बोल दिया, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। एंड इसके अलावा हम मैं आपको एक सम और कर बता देती हूँ, एंड वो लिख देते हैं जैसे 684, तो मैं आपको करके बता देता हूँ 684, ठीक है। तो अभी हम वैसे 600 प्लस 80 के बाद आई 80 लिख देंगे, प्लस 4, केवल 4 आ रहा है तो 4 लिख देंगे, 684। ये देखो मैचिंग, वास की मैचिंग ये हो रहा है ना, जैसे हम बोलते हैं इसमें बस एक्सपेंडेड मतलब फैलाना ये होता है, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यही थी मेरी वीडियो आज की, तो अभी के लिए बाय बाय, मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में। अभी के लिए आप कर दो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। बाय बाय।